90 के दशक ने बॉलीवुड को कई सुपरस्टार्स दिए थे। उस दौर में माधुरी दीक्षित का जलवा था, काजोल, करिश्मा, रवीना और जूही का अंजादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोलता था। सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे स्टार्स का बोलबाला था। उस दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में बनती थी जिसने दर्शकों के दिलों में आज तक अपनी छाप छोड़ी हुई है। वहीं कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी लॉन्च हुई हैं जिनको उनकी पहली फिल्म से खूब सफलता मिली और बाद के दिनों में वो गुमनामी के अंधेरे में खो गई। कुछ फिल्में नहीं मिलने की वजह से बॉलीवुड से दूर विदेश में जा बस गई और कुछ तो इंडिया में रहते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं। ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। ममता कुलकर्णी ने जब सिनेमा जगत में पाँव रखा तो वो जवान दिलों की धड़कन बन गई। उन्होंने फिल्म करण अर्जुन में शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम किया, अक्षय और आमिर जैसे स्टार्स के साथ भी काम किया। बाद के दिनों में फिल्मों में काम नहीं मिलने की वजह से वो गलत राह पर चली गई और अपने पति के साथ ड्रग्स की तस्करी में लग गई। कहा जाता है कि छोटा राजन के साथ भी उनके करीबी संबंध थे और उन्हें कई फिल्मों में छोटा राजन की वजह से ही काम दिया गया था। पूजा बत्रा। 1997 में आई फिल्म विरासत से बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी पूजा बत्रा। पूजा की शुरुआत अच्छी हुई लेकिन इसके बावजूद फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। खाते में भाई, दिल ने फिर याद किया, जोड़ी नंबर वन, हसीना मान जाएगी, तलाश और साजिश जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। पूजा बत्रा पिछले दिनों दूसरी शादी को लेकर खबरों में रही। पूजा ने बॉलीवुड एक्टर नवाब शाह से शादी कर ली। पूजा अब अमेरिका की नागरिक है। मोनिका बेदी। मोनिका बेदी ने अपने करियर की शुरुआत में एक से बढ़कर एक फिल्में दी जिनमें जानम समझा करो, जोड़ी नंबर वन, प्यार इश्क और मोहब्बत जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसके बाद मोनिका अबू सलीम के इश्क में पड़ गईं। जब उनका फिल्मी करियर ऊंचाई पर था तब वो गैंगस्टर अबू सलीम के साथ देश छोड़कर चली गईं और बाद में उन्हें पुर्तगाल से पकड़ लिया गया। वो कई साल तक जेल में रहीं। आयशा जुल्का। आयशा जुल्का आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्मों में नजर आई। उनके खाते में खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्में हैं। इसके बावजूद वो ज्यादा समय तक सिनेमा में टिक नहीं पाई। एक बिजनेसमैन से शादी करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। अनु अग्रवाल। आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल अब गुमनाम है। पहली सुपरहिट फिल्म के बाद अनु ने किंग अंकल और खलनायिका जैसी कुछ फिल्मों में काम किया। 1996 में उन्हें अंतिम बार सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया था। इसके बाद अनु का कार एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चली गई और फिर कई महीनों बाद उन्हें होश आया। बॉलीवुड से दूर वो योग से जुड़ गई हैं। नगमा। नगमा ने 1990 के दौर में बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने फिल्म बागी से सलमान खान के साथ डेब्यू किया। उन्हें उस दौर में अक्षय कुमार, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। साल 2000 के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया और वो भोजपुरी फिल्मों में काम करने लगी। नगमा फिल्मी करियर को अलविदा कह 2006 से राजनीति से जुड़ चुकी हैं। अश्विनी भावे। एक्ट्रेस अश्विनी भावे राज कपूर की खोज थी। फिल्म हीना से वो बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। अक्षय कुमार के साथ उन्होंने फिल्म सैनिक में काम किया था। इसके बाद उन्हें कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली और वो स्टारडम से भी दूर हो गई। इन दिनों वो अमेरिका में रह रही हैं। फरहीन। फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड में फरहीन लॉन्च हुई थी। फरहीन को लोग माधुरी दीक्षित की कॉपी कहते थे। पहली फिल्म से ही फरहीन को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। फिल्म जान तेरे नाम के बाद फरहीन 1994 में आई फिल्म नजर के सामने में अक्षय के साथ रोमांस करती दिखी। फिल्म सैनिक में वो अक्षय की बहन के रोल में थी। 1997 में उन्होंने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से सीक्रेट मैरिज कर ली और रातों रात बॉलीवुड छोड़ दिल्ली जा बसी।
मयूरी कांगो। मयूरी कांगो कभी बॉलीवुड में पापा कहते हैं गर्ल के नाम से मशहूर थी। जुगल हंसराज के साथ वो पापा कहते हैं फिल्म में साल 1996 में नजर आई थी। इस फिल्म को महेश भट्ट ने बनाया था। इसके बाद वो अजय देवगन और अर्शल वासी के साथ फिल्म होगी प्यार की जीत में पर्दे पर दिखी थी। बॉलीवुड में मयूरी का करियर कुछ खास नहीं रहा। इन दिनों वो गूगल इंडिया की हेड हैं। वो अब गुड़गांव में रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।